नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल फर्नीचर में। दोस्तों इंट्रो तो आप देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में बहुत ही प्यारा सा मॉडलर किचन दिखाने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने 6 टेंडम बॉक्सेस, एक फ्रेम कॉर्नर और एक बॉर्डर प्लॉट लगाए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको पूरा किचन का जो भी हम लोग वर्क किए हैं और क्या क्या साइजेस है, क्या क्या स्टोरेज है, सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं डिटेल्स बाई डिटेल्स। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर दें। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं कि हमारा जो मॉडलर किचन है दोस्तों वो कितना बाई कितना साइज का है और क्या क्या एक्सेसरीज लगा हुआ है। तो ये जो आप वीडियो शूट करें दोस्तों, ये हम हाल के एरिया से शूट करें और जो है यहाँ पे देखेंगे आर्च जो हमारा बना हुआ है, ये हाल का जो है हम लोग लेमिनेट लगाए हुए हैं इस पर जो है ब्राउन कलर का। तो जैसे ही आप अंदर आएंगे यहाँ पे कुछ डोर्स नहीं है दोस्तों, तो आपको दिखाते हैं हमारा जो मॉडलर किचन है। तो ये देखेंगे दोस्तों हमारा जो मॉडलर किचन है, सबसे पहले दोस्तों इसका जो एक झलक आपको दिखा देते कि कैसा दिखता है। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं हमारा जो मॉडुलर किचन है, सबसे पहले हम लोगों ने दोस्तों इसमें क्या क्या वर्क किए। ये जो हमारा टाइल्स है दोस्तों, इसको हम लोगों ने चेंज किए। पहले इसमें दूसरा कलर लगा था तो अच्छा भी नहीं था, इसलिए हम लोगों ने कस्टमर के हिसाब से इसको निकाल के चेंज करके इसको दूसरा लगाएं। अगर आपको चेंज करना है तो जो पुराना वाला है उसको पहले निकालना पड़ता है, उसके ऊपर से आपको दूसरा लगा सकते हैं। और ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आपको 4 इंच का प्लेटफॉर्म दिख रहा है, इसको हम लोगों ने चेंज नहीं किए। लेकिन दूसरा जो मॉडुलर किचन रहता है सिरमेंटेड का जो रहता है, तो बिल्कुल जो उसका प्लेटफॉर्म रहता है पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही निकाल देते हैं, ताकि हमको जो है पूरा का जो स्पेस मिले जो दोस्तों अंदर का बॉक्सेस का वो फुल मिले, इसलिए हम निकाल देते हैं। यहाँ पे एक कस्टमर बोले कि नहीं हमको नहीं निकालना है, थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, लेकिन जो है किचन बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाता है। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने कोशिश की है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करने के लिए। और अभी आप स्टोरेज देखेंगे तो बिल्कुल आप खुश हो जाने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने कलर यूज़ किया दोस्तों, सेम टू सेम हम लोगों ने यहाँ पे भी कलर यूज़ किए हैं। तो आपको नीचे से दिखाते हैं दोस्तों थोड़ा सा, आप देखिए ये हमारा व्हाइट कलर का जो है हाई ग्लोसी का लेमिनेट है, और ये भी हमारा लेमिनेट है, और दोनों का जो है कलर्स कौन सा है दोस्तों, इसका जो कोड नंबर क्या है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरफ से आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये देखेंगे यहाँ पे 4 इंच का डमी दिख रहा है, तो सीमेंटेड का यहाँ पे पिलर था इसलिए हम इसको डमी बना दिए। और यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टोरेज दे दिए हैं दोस्तों, और यहाँ पे हम लोगों ने जी प्रोफाइल हैंडल का यूज किया है, और पूरे में जो है कैप लगाए हैं। आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं पूरे में जी प्रोफाइल हैंडल लगाने के बाद में यहाँ पे रोज गोल्डन कलर का, और यहाँ पे हम लोग इसका कैप भी लगाए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 6 टेंडम बॉक्सेस लगाए हैं दोस्तों, और आपको पता है दोस्तों कि हम टेंडम बॉक्स ही यूज़ करते हैं, इसका लोड कैपेसिटी ज़्यादा रहता है, इसका सॉफ्ट क्लोजिंग बहुत अच्छा रहता है, और जो है आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं करता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं नीचे हम लोगों ने बड़ा जो है टेंडम बॉक्सेस लगाए हैं, थोड़ा आपको नज़दीक से दिखाते हैं। इसमें आपको पार्टीशन भी मिलता है दोस्तों, इसमें आपका थाली प्लेट जो भी आपको लगाना है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको सोच रहे हैं कि थोड़ा हमारा छोटा प्लेट है तो आप इस तरफ लगा के यहाँ पे आपका जो है बड़ा डब्बा कुछ भी लगाना है वो लगा सकते हैं। तो ये एक हमारा हो गया, और ये देखेंगे ये ऊपर जो है हमारा छोटा छोटा जो आपका प्लेट रहता है या फिर कुछ भी जो आइटम रहता है वो आप इसमें लगा सकते हैं। और उसके ऊपर आपको दिखाएंगे दोस्तों, तो ये देख सकते हैं ये हमारा कटलरी बास्केट है दोस्तों, ये देखिए कुछ इस प्रकार से आता है, ये बर्लिन कंपनी का है दोस्तों, ये देखिए इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का 3 टेंडम बॉक्सेस है दोस्तों, ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया वर्क करता है दोस्तों ये, और आपको प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं आने वाला है। और उसके साइड में दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे एक बॉटल प्लाउट लगाए हैं, तो आपको और नज़दीक से दिखाते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं ये जो हमारा बॉटल प्लाउट है दोस्तों, इसको हम निकाल के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसको हम लोगों ने निकाल सकते हैं और इसको क्लीन भी कर सकते हैं, और बाद में इसका हाइट अगर हमको ऊपर नीचे भी करना है तो भी हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक बॉटल प्लाउट हो गया दोस्तों। अब आपको दूसरा दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखेंगे और 3 टेंडम बॉक्सेस दिए हैं। अगर आपका किचन बड़ा है और आप सोच रहे हैं कि 6 टेंडम बॉक्सेस लगाने के लिए, तो आप आराम से लगा सकते हैं। उस तरफ आप प्लेट रख सकते हैं, इस तरफ जो है आपका छोटा छोटा जो डब्बा रहता है जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोड कैपेसिटी ज़्यादा रहता है, तो इसमें आप जितना मर्जी आप उतना यूज कर सकते हैं। तो ये देखेंगे ये हमारा टेंडम बॉक्सेस है, और नीचे का जो आप अंदर का देख रहे हैं दोस्तों, ये ग्रे कलर का हम लोग लेमिनेट यूज़ किए हैं, और इसमें जो प्लाईवुड लगता है यहाँ पे वो 16 mm का प्लाईवुड लगता है। नीचे का जो बैक सीट रहता है आप 18 mm भी लगा सकते हैं, लेकिन नीचे से जो आपको कट करके लगाना पड़ता है ये कारपेंटर भाइयों को मालूम है। तो ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे एक, और ये भी हमारा टेंडम बॉक्सेस है, ये दूसरा है, और बाद में दोस्तों ये हमारा तीसरा है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 4 इंच का ये डम्मी है दोस्तों, यहाँ पे भी सीमेंटेड का पिलर था, और ये जो हमारा बॉटल प्लाउट है दोस्तों यहाँ पे भी था।
अब दोस्तों आपको दिखाते हैं, यहाँ पे साइड में हम लोगों ने गैस सिलेंडर के लिए जगह छोड़ दी है और यहाँ पे कुछ भी हम लोगों ने बॉक्स नहीं बनाए दोस्तों, ये देख सकते हैं पूरे का पूरे यहाँ पे जगह खाली है दोस्तों, ताकि हमारा जो सिलेंडर है आप आराम से अंदर लगा सकते हैं, आराम से बाहर भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास जगह है तो आप जो है जो भी सिलेंडर रहता है, दो सिलेंडर एक सिलेंडर लगाना है काम करने से पहले, आप उसको बाहर ही लगा दीजिए, पाइप जो है उसको अंदर ले लीजिए। इससे होता है क्या है, आपका जो स्टोरेज सिलेंडर के लिए यहाँ पे जाता है, एक तो आपको सिलेंडर का जगह मिल जाता है कि आप बाहर रख सकते हैं, यहाँ पे स्टोरेज मिल जाता है, दूसरा ऑप्शन ये रहता है दोस्तों कि आपका सेफ्टी बढ़ जाता है कि आपका जो लीकेज हुआ कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपका जो बाहर सिलेंडर रहता है तो समझ लीजिए कि आपके पास सेफ्टी भी ज़्यादा रहता है। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं मॉड्यूलर किचन में हम लोगों ने सिंक ऑनर लगाया है दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है और इसका लगाने के वीडियोस आप नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है फ्रेंड, ये दोस्तों सॉफ्ट क्लोजिंग का है, तो ये देखिए अगर हम इसको क्लोज करेंगे तभी बहुत आराम से आता है और इसको ओपन करेंगे तभी बहुत आराम से आएगा, देख सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपको जो कॉर्नर्स नहीं यूज हो पाता है, सेल्फ नहीं यूज कर पाते हैं कुछ भी जो है अंदर, आप इसको यूज करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, आप सोच रहे हैं कि हम बाहर से यूज कर दें, तो इस प्रकार से जो सेम कॉर्नर आता है या फिर मैजिक कॉर्नर आता है आप उसको लगा सकते हैं। ये देखिए ये तो बहुत ही अच्छा वर्क करता है और इसको हमको लगाने में बहुत मजा आता है दोस्तों किचन में। इस प्रकार का जो सिस्टम मिलता है या सेम कॉर्नर, मैजिक कॉर्नर, पेंट्री यूनिट, किचन में जो भी हम एक्सेसरीज लगाते हैं इसको लगाने में हमको बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ये हमारा हो गया और यहाँ पे भी हम लोगों का सीमेंटेड का पिलर था दोस्तों। अब ये हमारा वॉश बेसिन एरिया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंगल डोर दी है इसलिए यहाँ पे डबल डोर दे सकते थे, यहाँ पे डोर के पीछे भी हम लोग यहाँ पे स्टोरेज देंगे दोस्तों, इसलिए जो आपका छोटा डस्टबिन आता है आप ये डोर के पीछे लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा किचन का साइज दोस्तों। अब आपको दिखाते हैं हमारे किचन में पीछे का साइज क्या है और पीछे हम लोगों ने क्या क्या जो है और स्टोरेज दिए हैं दोस्तों। ये हमारा पीछे का जो स्टोरेज है, यहाँ पे जो है पहले तो क्रॉकरी यूनिट हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इसके पीछे आपको बाहर से दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो है दोस्तों वो सीमेंटेड का जो अलमारी रहता है वही है, हम लोग इसको फ्रेम देके उसके बाद बनाए। और दोस्तों आपको एक बात बताना तो हम भूल ही गए, जो हमारा डोर्स रहता है दोस्तों सभी पे, आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाते हैं। देखिए दोस्तों इसमें हम लोगों ने जो है एज बेंडिंग लगाते हैं, ये देख सकते हैं, अगर आप इस प्रकार से हाथ चाहे जितना रगड़ लीजिए कुछ भी कर लीजिए आपको कुछ हो नहीं सकता है। इस पे हम लोगों ने एज बेंडिंग कंपनी फिनिशर एज बेंडिंग लगा के देते हैं ताकि दिखने में बहुत ही बेहतरीन दिखे दोस्तों। आप देख सकते हैं ये फ्रेमिंग वर्क हुआ है लेकिन आपको लगेगा नहीं। तो इसका स्टोरेज क्या क्या आपको दिखाते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे नीचे हम लोगों ने व्हाइट कलर का लेमिनेट का यूज किया है और ऊपर जो है दूसरा जो हमारा इसके साइड में ही लगाए हैं, ये तो ग्रीन नहीं है दोस्तों, दूसरा कलर है हल्का डार्क में है। और ऊपर का लॉफ्ट अगर आपको दिखाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो है पीपी वर्क ऊपर का सीलिंग का नहीं हुआ है, तो डोर का साइज थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप देख सकते हैं दो डबल डोर डबल डोर डबल डोर यहाँ पे दिए हैं। बहुत सारे भाइयों का और मैसेज आता है कि ऊपर का हम ओपन करके नहीं दिखाते हैं, तो ऊपर का भी आपको ओपन करके दिखा देते हैं, देख सकते हैं इसमें जो आपका बड़ा बड़ा आइटम होता है दोस्तों वो आप लगा सकते हैं। बहुत ही जो ऊपर सबसे ज़्यादा जो हमको लगता है कि ऊपर का जो लॉक फ्रेम रहता है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि आपको जो बड़ा बड़ा आइटम होता है जो कि आपके किचन में नहीं आ पाता है वो आप ऊपर आराम से लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं दो डोर्स हम लोगों ने यहाँ पे ओपन करके दिखा दिए दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी हम लोगों ने दो डोर्स बनाए हैं जो कि हम नीचे से ही पा जा रहे हैं दोस्तों, ये अच्छी बात है। अब दोस्तों नीचे का आपको पूरा स्टोरेज नहीं दिखाए हैं, अब आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड ये सीमेंटेड का था, तो अगर आपका सीमेंटेड का भी है तो इस प्रकार से आप फ्रेमिंग करके बनवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये पूरा निकाल के बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनता है, आप प्रोफाइल लाइटिंग देख सकते हैं, बहुत सारा डिजाइन बन सकता है, लेकिन इसी प्रकार का भी अगर आप कराना चाहते हैं तभी बहुत बेहतरीन दिखता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे डबल डोर्स हम लोगों ने यहाँ पे भी दिए हैं, और इसमें जो हम लोग हैंडल्स लगाए दोस्तों ये भी हम लोगों ने रोज गोल्डन कलर का ही लगाए हैं ताकि जो है दिखने में बेहतरीन दिखे, जो हम लोग जी प्रोफाइल हैंडल लगाए हैं वही सेम टू सेम कलर यूज किए हैं। और नीचे भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी बड़ा बड़ा जो आपका आइटम होता है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और दोस्तों सेम, अब दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आपका इस प्रकार का पैटर्न बनता है एक डार्क और एक लाइट और सेम आपका बीच में डम्मी आ जाता है तो आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। आप देखेंगे डम्मी में भी हम लोगों ने दो कलर का लेमिनेट यूज़ किए हैं, एक डार्क और एक लाइट, आप देख सकते हैं इसको जो है जॉइन करके, ताकि जो दिखने में हमारा सेम टू सेम दिखे, ऐसा ना दिखे कि बीच में जो इस प्रकार से एक डम्मी लगा हुआ है। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर लेमिनेट के यहाँ पर पेस्टिंग कर दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर भी आपको दिखा देते हैं, ये देखिए ऊपर दो सेल्फ पहले से था तो दो सेल्फ पहले से है और
ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे एज वेनिंग फिनिशिंग के साथ में है तो बहुत बेहतरीन दिख रहा है। आपको बाहर से देखने में तो दिखेगा ही नहीं कि ये पहले सेगमेंटेड का था, और इसका पहले का अभी फोटोस अभी आपको दिख जाएगा कि बनने से पहले कैसा था। अब दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे का कुछ इस प्रकार से है। तो फ्रेंड अब आप देख चुके पूरा जो हमारा मॉड्यूलर किचन है उसमें हम लोगों ने क्या क्या एक्सेसरीज यूज़ किए हैं, और जितना भी आपको बात बताएं दोस्तों, जैसे कि कंपनी फिनिशिंग एज बेंडिंग, इसमें जो टेंडम बॉक्सेस क्यों लगाना चाहिए, आपको जो गैस का जो है कनेक्शन होता है उसको बाहर क्यों रखना चाहिए, और इसमें क्या कुछ एक्सेसरीज लगाना चाहिए, टेंडम बॉक्सेस कैसे लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, वो भी आपको बता चुके हैं। और सेम कॉर्नर जो होता है दोस्तों, आपको जो कॉर्नर में यूज़ नहीं आता है उसको भी आपको लगा लेना चाहिए। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ बताना भूल गए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग वीडियोस तो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे होता यह है कि जो भी हम वीडियोस डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाता है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह मॉड्यूलर किचन आपको कैसा लगा, और किसी भी तरह का मॉड्यूलर किचन और बहुत सारा वर्क आप देखना चाहते हैं तो अभी आप हमें नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।